लोकसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान के बीच बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा के खिलाफ अश्लील टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें अब और भी बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां आजम के खिलाफ इस बयान को लेकर केस दर्ज कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्ती दिखाते हुए कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया है। और उधर कांग्रेस ने भी आजम के खिलाफ चुनाव आयोग और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से कार्रवाई की मांग की है। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आजम के बयान की द्रौपदी के चीरहरण से करते हुए मुलायम सिंह यादव को भीष्म बनाकर मौन न रखने की नसीहत दे दी है। इधर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने इस नसीहत को लेकर सुषमा स्वराज को ही घेर लिया है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराए, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे, कांधा नहीं लगने दिया आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप और मिलने क्या फर्क आए? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके लिए खाकी रंग का है। मैं